हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम का डिलाइट। सो ये है दोस्तों इस चैनल का फर्स्ट क्यू एन ए यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो आपने लास्ट वीक कुछ क्वेश्चंस पूछे थे इंस्टाग्राम पे भी एंड यहाँ पे कम्युनिटी पे हमने पोस्ट डाली थी, उसमें भी आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे एंड उन सबका क्वेश्चंस का आज आपको डिटेल आंसर मिलेगा एंड आपकी सारी कन्फ्यूजन एंड डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दोस्तों जरूर प्रेस कर दें। अगर आपके और भी कोई फर्दर क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ द वीडियो तो आप वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पारस का, जो पूछते हैं हु इज़ बेटर इन कंफर्ट एंड फीचर वाइज, जो है बेलिनो, i20, स्विफ्ट एंड पोलो। तो i20 आपको बहुत ही बढ़िया कंफर्ट ऑफर करती है, फ्रंट एंड रियर सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है और जो रियर सीट्स है वो आपको बेस्ट इन क्लास कंफर्ट ऑफर करती है। सेकेंडली फीचर्स की बात करें तो i20 की टॉप एंड मॉडल में आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, साथ में रियर सीट आर्मरेस्ट, यहाँ पे क्लस्टर आयोनाइजर अवेलेबल है, साथ में सुपरविजन क्लस्टर, सनग्लास होल्डर एंड सो ऑन, आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि वायरलेस चार्जिंग। तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं टॉप एंड मॉडल, बट अगर आपका एक बजट कंस्ट्रेंट, आप एक बजट में चल रहे हैं तो वहाँ पे आपको बेलिनो का डेल्टा मॉडल बहुत सूट करेगा और वो काफ़ी सारे फीचर्स भी ऑफर करता है और बहुत ही डिसेंट प्राइस टैग के साथ आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे सार्थक अग्रवाल का, जो कि पूछते हैं बेस्ट एसयूवी अंडर 12 लाख। तो यहाँ पे फोर्ड इको स्पोर्ट एंड एक्सयूवी 300 बहुत ही बढ़िया एसयूवीज हैं, आप उनको ऑफ कर सकते हैं, एक्सीलेंट ड्राइवेबिलिटी ऑफर करती है। एंड अगर आपका एक बजट कंस्ट्रेंट है तो वहाँ पे आप वेन्यू भी कंसीडर कर सकते हो कि वेन्यू आपको बहुत ही बढ़िया प्राइस टैग में काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर कर देगी। एंड नेक्स्ट ऑफ गाइज यहाँ पे सीट पूछते हैं कि सेल्टोस एंड हेक्टर में से उनको कौन सी परचेज करनी चाहिए। तो दोनों ही बहुत ही पॉपुलर व्हीकल्स हैं इस टाइम एंड करेंटली इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। सो बेसिकली जो सेल्टोस है वो आपको वैरायटी ऑफ इंजन ऑप्शन ऑफर करती है, साथ में BS6 इंजन दिए गए हैं, वेयर एज यहाँ पे हेक्टर में आपको BS4 इंजन मिलेंगे। ऑल्सो फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही आपको ऑलमोस्ट सेम फीचर्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पे जो ड्राइवेबिलिटी और ओवरऑल राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी है वो सेल्टोस की थोड़ी बेटर दी गई है, स्लाइटली बेटर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलता। ऑल्दो दोस्तों यहाँ पे जो स्पेस एंड कंफर्ट आपको MG हेक्टर ऑफर करती है दैट हैज़ नो कंपैरिजन, क्योंकि ये अबव सेगमेंट व्हीकल है ऑब्वियसली एंड काफ़ी स्पेशियस दी गई है। और अगर आप इसकी एक्सटीरियर लुक भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सटीरियर लुक काफ़ी बेटर मिलती है कम्पेयर टू सेल्टोस, जब आप एक्चुअली से फ्लैश में देखेंगे तो काफ़ी एग्रेसिव एंड बोल्ड लुक बनाई गई है। इवन आपको ये फॉर्चूनर से सिर्फ 100 mm इसकी लेंथ कम मिलती है, तो काफ़ी अच्छी खासी ये रोड प्रेजेंस भी ऑफर करती है। सो इसका जो एक कंपैरिजन है, इसके 2-3 कंपैरिजन ऑलरेडी दोस्तों चैनल पे पोस्टेड है, एक लॉन्ग कंपैरिजन, शॉर्ट कंपैरिजन एंड देन कि सेल्टोस को क्यों परचेज करना चाहिए ओवर हेक्टर एंड हेक्टर को क्यों परचेज करना चाहिए ओवर सेल्टोस। तो आप वो एक कंपैरिजन भी ज़रूर चेक करें, वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा चैनल पर एंड वो आपके काफ़ी सारे डाउट्स दोस्तों क्लियर भी कर देगा। एंड नेक्स्ट अप गाइज यहाँ पे पार्थ पूछते हैं फोर्ड इको स्पोर्ट और XUV 300 विच इज़ गुड। सो यहाँ पे दोनों ही जो ये SUVs हैं अपनी सेगमेंट में सबसे बेस्ट ड्राइवेबिलिटी और बेस्ट राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी ऑफर करती है, जैसे कि मैंने आपको XUV 300 के टेस्ट ड्राइव रिव्यू में भी बताया था एंड आप वो रिव्यू भी चेक कर सकते हैं, आपके काफ़ी सारे डाउट उधर भी क्लियर हो जाएंगे। एंड बेसिकली आप ओवरऑल देखेंगे तो फीचर वाइज आपको ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स मिलते हैं एंड XUV 300 में एक आध फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे कि माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, हीटेड ORV मिल जाएंगे एंड सो ऑन। और इसी के साथ यहाँ पे जो फोर्ड इको स्पोर्ट है वो आपको बेटर बूट स्पेस ऑफर करती है। इसी के साथ अगर हम ओवरऑल राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी को दोनों को कंपेयर करें तो फोर्ड इको स्पोर्ट की हैंडलिंग क्वालिटी आपको बेटर मिलेगी, ओवरऑल जो ड्राइवेबिलिटी और सस्पेंशन भी वो स्लाइटली बेटर दिया गया है। ऑल्सो एक और जो यहाँ पे पॉइंट है वो है प्राइस का, तो फोर्ड इको स्पोर्ट आपको काफ़ी प्राइस फ्रेंडली मिलती है, यानी कि प्राइस काफ़ी जस्टिफाइड रखा गया है, तो आई विल रिकमेंड फोर्ड इको स्पोर्ट। एंड नेक्स्ट ऑफ गाइज यहाँ पे पार्थ दोबारा पूछते हैं फोर्ड इको स्पोर्ट और हुंडे क्रेटा। सो यहाँ पे जो फोर्ड इको स्पोर्ट है वो आपको बेटर राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी एंड ओवरऑल बेटर ड्राइवेबिलिटी ऑफर करती है कम्पेयर टू करंट क्रेटा। एंड आप अगर इन दोनों के बीच में देख रहे हैं तो क्रेटा आपको बेटर बूट स्पेस ऑफर करेगी एंड यहाँ पे आपको काफ़ी बिग साइज की SUV मिलती है, अबव सेगमेंट दी गई है, स्पेस एंड कम्फर्ट भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बट आई विल सजेस्ट कि आपको न्यू क्रेटा का वेट करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे मैकेनिकल चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एंड दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इज़ इट वर्थ टू बाय वेंटो एज VW इज ऑफरिंग ह्यूज डिस्काउंट। तो डेफिनेटली यहाँ पे वेंटो को परचेज करना काफ़ी वर्थ है, जर्मन टेक्नोलॉजी मिलती है, परफॉर्मेंस इंजन की बहुत ही एक्सीलेंट है, साथ में रिफाइंड मीडियम भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी एंड बिल्ड क्वालिटी में भी आपको कोई भी कंपेरिजन नहीं मिलता एंड इंटीरियर्स आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया फिट एंड फिनिश क्वालिटी भी मिलेगी। इवन काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर्स भी अवेलेबल है जैसे कि ऑल 4 पावर विंडोज, यहाँ पे आपको ऑटो अप एंड डाउन मिलती है विद एंटी पिंच एंड टॉप स्पेक्ट्रम, तो काफ़ी वर्थ है इसको परचेज करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आते हैं सिद्धार्थ की तरफ से, जो पूछते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय MG हेक्टर ओनर। सो यहाँ पे सिद्धार्थ जो MG हेक्टर के ओनर्स ने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करी थी वो थी रिलेटेड टू इंजन, तो इंजन काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन हुए थे इनिशियल स्टेज पे
एंड इनिशियली जब मैन्युफैक्चरर कोई भी न्यू स्टार्ट करता है तो वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, जैसे किया में भी आई है प्रॉब्लम्स, इवन जो एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे कि मारुति एंड हुंडई, उनकी व्हीकल्स में भी प्रॉब्लम आती रहती है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, कभी आती है कभी प्रॉब्लम, कभी नहीं आती प्रॉब्लम। जैसे कि अभी वेन्यू जो कि इतनी सुपर सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है, उसके DCT गियरबॉक्स में भी अभी हीटिंग इशू आया जो कि रिजॉल्व कर दिया गया है। तो ये सब ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये आते रहते हैं जाता रहता है। एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जो MG हेक्टर के इंजन में प्रॉब्लम आएगी वो अंडर वारंटी कवर्ड होगी, यानी कि इंजन अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन भी हो जाता है, आपके AC में भी कोई प्रॉब्लम आती है या और भी कोई मैकेनिकल इशू आता है, वो सब अंडर वारंटी कवर्ड है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करेंगे तो वो MG आपको रिजॉल्व करके देगा 100%। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आता है यहाँ पे पुलकित अग्रवाल की तरफ से, ये पूछते हैं कि पीपल आर फेसिंग सो मच प्रॉब्लम विद किया फॉर रिलेटेड सर्विस, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि बेसिकली हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है एंड सर्विस में भी प्रॉब्लम आ रही है। सो किया एंड यहाँ पे MG बहुत ही अभी इनिशियली स्टेज पे एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनके पास अभी इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, तो आपको इतना क्विक वहाँ पे सर्विसिंग नहीं मिल पाएगी और आपको इतना ज़्यादा क्विक RSA यानी कि रोड साइड असिस्टेंस नहीं मिल पाएगी। तो इवन अगर आपकी व्हीकल जो वर्कशॉप में जाती है, यानी कि कुछ भी व्हीकल की कोलिजन होती है, एक्सीडेंट होता है, तो वो जो रिपेयर के लिए जाती है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी कंपेयर टू अदर एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरर्स। एंड ये इनिशियली आपको प्रॉब्लम आप ये फेस करेंगे, लेकिन ओवर द टाइम ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी क्योंकि काफ़ी फास्ट इस पर वर्क कर रहे हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पे और कोई भी ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कि सेल्टोस में जो एक प्रॉब्लम थी वो थी हीटिंग इशू, जो अवेलेबल था DCT गियरबॉक्स में 1.4 में, एंड वो प्रॉब्लम कस्टमर्स ने फेस करी थी ड्यू टू ओवर रेव। तो ज़्यादा अगर आप इंजन को मोर देन रिक्वायर्ड आप ओवर रेव करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे वो जो गियरबॉक्स है वो हीटअप हो जाएगा, तो आप वो ना करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आता है साईदीप की तरफ से, ये पूछते हैं टाटा एल्टोस एक्सपेक्टेड प्राइस, सो जो उसका एक्सपेक्टेड ऑन रोड प्राइस रहने वाला है वो है 6 लाख से लेकर 9.5 लाख, और ये ऑन रोड प्राइस है, ऑल्दो इससे ज़्यादा भी प्राइस रह सकता है बिकॉज यहाँ पे BS6 इंजन ऑप्शन ऑफर करे जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है धनंजय की तरफ से, ये पूछते हैं कि यह सेल्टोस मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, तो धनंजय मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट सेल्टोस का है GTX एंड HTX मॉडल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ये है अजीत का, तो व्हेन MG हेक्टर डीजल ऑटोमेटिक इज कमिंग, तो डीजल ऑटोमेटिक एक्सपेक्टेड है कि ये मिड 2020 में लॉन्च कर दी जाएगी क्योंकि डीजल ऑटोमेटिक की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है यहाँ पे गौरव की तरफ से, पूछते हैं एनी अपडेट और इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉर्ड इकोस्पोर्ट BS6। सो गौरव, जैसा मैंने आपको वीकली न्यूज़ में बताया था कि फॉर्ड एंड होंडा अपना कंप्लीट व्हीकल का लाइनअप जो है इंडिया में उसको BS6 करने जा रही है जनवरी ऑनवर्ड्स। तो जनवरी ऑनवर्ड्स आपको फॉर्ड इकोस्पोर्ट, फॉर्ड एस्पायर, इवन होंडा सिटी, सारी व्हीकल्स आपको मिलेंगी BS6 कंप्लायंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग आता है, जो है बाइंग अ BS4 डीजल ब्रेज़ा और वेटिंग फॉर पेट्रोल BS6 मेक्स मोर सेंस। सो यहाँ पे अभी करेंटली आपको 1.3 लीटर BS4 कंप्लायंट डीजल इंजन मिलता है ब्रेज़ा में, और ये डिसकॉन्टिन्यू होने वाला है बहुत ही जल्दी, इसकी प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टॉप हो चुकी है। एंड गाइस जनवरी से लेकर मार्च के टाइमलाइन के बीच में ब्रेज़ा फेसलिफ्ट लॉन्च होने जा रही है, तो ये इंजन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे मिलेगा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो होगा BS6 कंप्लायंट। एंड वहाँ पे अब आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलेगा ब्रेज़ा फेसलिफ्ट में, और उसके कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक न्यू इंजन भी इंट्रोड्यूस करा जाएगा जो कि काफ़ी बड़ी स्पाई भी हो चुका है टेस्ट होते हुए, जो है 1.5 लीटर डीजल इंजन जो होगा BS6 कंप्लायंट। तो एक्सपेक्टेड है कि ये डीजल इंजन आपको बाद में दिया जाएगा, अभी करंटली जो ब्रेज़ा फेसलिफ्ट है उसमें आपको 1.5 लीटर पेट्रोल BS6 इंजन ही मिलेगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आता है कौस्तव की तरफ से, पूछते हैं अगर टियागो का ग्लोबल इनकैप रेटिंग का टेस्ट होगा तो इसे कितना स्टार्स मिलेंगे, तो नेक्सॉन को मिले हैं 5 स्टार्स, जेस्ट को मिले हैं 4 स्टार्स। एंड टियागो भी बहुत ही सॉलिडली बिल्ट अप व्हीकल है, काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी ऑफर करती है, तो इसका अगर ग्लोबल एनकैप रेटिंग का टेस्ट होता है तो इसको मिनिमम 4 स्टार्स मिलेंगे ही मिलेंगे, इवन साइड इंक्लूजन बीम भी अवेलेबल है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये भी कौस्तव की तरफ से है कि हैरियर में 4WD आएगा या नहीं आएगा, तो नहीं 4WD हैरियर में नहीं आएगा क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी कम है, इवन ओवरऑल जो 4WD की इंडिया में डिमांड है वो है सिर्फ 8-9%। एंड नेक्स्ट गाइज यहाँ पे निकुंज पूछते हैं प्रेडिक्शन अबाउट 2020 स्कोडा ऑक्टाविया इंडिया लॉन्च, तो ये इंडिया में लॉन्च होगी मिड 2020 में, एंड यहाँ पे आपको BS6 इंजन मिलेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर काफ़ी और मॉडर्न एंड अर्बन बनाया जा रहा है, और इसी के साथ यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स एड ऑन मिलेंगे, एंड जो प्राइस रखा जाएगा वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी होगा। एंड नेक्स्ट गाइज यहाँ पे रौनित पूछते हैं BS4 इंजन वाली गाड़ी अभी लेना सही रहेगा या अभी नहीं, तो अगर आप दिसंबर में गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं रौनित, तो आपको ले लेनी चाहिए BS4 पे, आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा ईयर एंड सेल पे,
एंड अगर आप जनवरी में लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको BS6 वाली व्हीकल ही लेनी चाहिए। वहाँ पर आपको BS6 वाली व्हीकल अभी Altroz मिल जाएगी, उसके अलावा काफ़ी सारी व्हीकल्स आने वाली है। फोर्ड एंड होंडा का लाइनअप भी कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज हो जाएगा इनटू BS6 जनवरी ऑनवर्ड्स। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दुपेश की तरफ से, ये पूछते हैं लॉन्च ऑफ ट्राइबर AMT तो ऑटोमेटिक लॉन्च होगी इन फर्स्ट वीक ऑफ मे में, एंड यहाँ पे जो प्राइस उसका रखा जाएगा वो 50,000 to 60,000 ज़्यादा कॉस्टली होगा कंपेयर टू द मैनुअल वेरियंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, यहाँ पे वंश पूछते हैं स्कॉर्पियो सफारी स्ट्रॉम, तो सफारी स्ट्रॉम तो डिस्कॉन्टिन्यू हो चुकी है, स्कॉर्पियो अभी अवेलेबल है वो भी ह्यूज डिस्काउंट के साथ, लेकिन अभी आपको न्यू स्कॉर्पियो का वेट करना चाहिए। वहाँ पे आपको न्यू प्लेटफॉर्म मिलेगा, कम्प्लीटली चेंज एक्सटीरियर डिज़ाइन है, इंटीरियर आपको काफ़ी प्रीमियम मिलेंगे, काफ़ी सारे वहाँ पे मैकेनिकल चेंजेस भी होने वाले हैं और आपको यहाँ पे अबंडेंस अमाउंट में फीचर्स भी मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपको स्कॉर्पियो का वेट करना चाहिए। एंड उसका जो लॉन्च है वो एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट क्वार्टर में वो लॉन्च कर दी जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों अंशुल पूछते हैं सेल्टोस और वेन्यू, तो अंशुल डेफिनेटली आपको सेल्टोस को परचेज करना चाहिए, वहाँ पे आपको बेटर स्पेस एंड कंफर्ट मिलेगा, सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इवन क्रेटा से भी बेटर आपको सेल्टोस मिलती है, तो आपको सेल्टोस को ही परचेज करना चाहिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक और पूछते हैं कि क्या सेल्टोस उनको ST X Plus में ऑटोमेटिक में लेनी चाहिए या मैनुअल में लेनी चाहिए, तो ये आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कंफर्टेबल ड्राइविंग चाहिए तो डेफिनेटली आपको ऑटोमेटिक में लेनी चाहिए, एंड ऑटोमेटिक में जो माइलेज है वो आपको 2 to 3 KMPL डेफिनेटली लेस मिलेगी कंपेयर टू मैनुअल इन किया सेल्टोस। एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे दीपजीत पूछते हैं इफ मैक्सिमम बजट इज 9 lakh विच कॉम्पैक्ट SUV शुड आई गो फॉर कंसीडरिंग माइलेज एंड फीचर्स। सेकंड क्वेश्चन है लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हुंडई वेन्यू 1 लीटर टर्बो और इसकी माइलेज क्या है सिटी में, तो हुंडई वेन्यू 1 लीटर टर्बो की जो सिटी में माइलेज है विद AC एंड नॉर्मल सिटी ट्रैफिक वो है 11 to 12 KMPL, आपको बहुत ही ईजिली दे देगी। हाईवेज पे आपको आराम से वहाँ पे 16 to 17 KMPL मिल जाएगी। एंड अगर आप यहाँ पे माइलेज कंसीडर कर रहे हैं तो इस सेगमेंट में आपको और कोई व्हीकल इतनी माइलेज ऑफर नहीं करती क्योंकि ये टर्बो इंजन है। फोर्ड इको स्पोर्ट ऑल्दो ऑफर करेगी इसके टॉप स्पेक्ट्रम में, बट वहाँ पे आपको जो इको बूस्ट इंजन मिलता है उसमें माइलेज अच्छी मिल जाएगी, लेकिन वो 9 lakh के बजट के अंडर नहीं आएगी। 9 lakh के बजट के आसपास आपको 1.5 लीटर फोर्ड इको स्पोर्ट का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, बट उसकी माइलेज जो है वो है 9 to 10 KMPL। तो फीचर्स वाइज भी एंड माइलेज वाइज भी आपको वेन्यू काफ़ी सूट करेगी, तो आपको वेन्यू को ही परचेज करना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आता है निशांत की तरफ से, ये पूछते हैं रीजन वाई सेल्टोस इज मोर सक्सेसफुल देन हेक्टर। सो जो किया एंड हुंडई यही सिस्टर कंसर्न है, हुंडई के 30% शेयर है किया में, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर भी रहता है जिस वजह से सेल्टोस की काफ़ी अच्छी खासी सेल मिली है। सेकेंडली फीचर्स काफ़ी बढ़िया हैं, इंटीरियर्स भी बेटर आपको मिलते हैं, और जब सेल्टोस लॉन्च हुई थी तो हर एक शोरूम पे 10 टू 15 व्हीकल वहाँ पे सेंड कर दी गई थी, एंड राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब वो लॉन्च करी गई थी ऑफिशियली तो सेल्टोस की 20-20 डिलीवरीज हुई थी हर एक शोरूम पे, तो उस वजह से भी काफ़ी मतलब क्विक डिलीवरी का सिस्टम है यहाँ पे, डे एंड नाइट वर्क भी हो रहा है एट अनंतापुर प्लांट किया में, तो वो भी एक काफ़ी मेजर फैक्टर है क्योंकि डिलीवरी अर्ली मिल रही है, वेयर एज MG हेक्टर का आपको लॉन्ग वेटिंग पीरियड मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे आता है आई वॉन्ट टू बाई SUV कार लाइक क्रेटा सेल्टोस हेक्टर और हैरियर, प्लीज़ हेल्प मी टू चूज वन। सो क्रेटा के लिए तो आपको डेफिनेटली अभी वेट करना चाहिए, एंड सेल्टोस BS6 है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, हेक्टर अभी BS6 होने वाली है, एंड हैरियर का भी X+ मॉडल आएगा जिसमें पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, तो इट इज़ बेटर कि आप अभी थोड़ा टाइम वेट करें। ऑल्सो आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा अपने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको मैं एक बेटर एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा कि आपके लिए कौन सी व्हीकल बेस्ट रहेगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज यहाँ पे आता है विल हुंडई पैलेसाइड विल एवर लॉन्च इन इंडिया, सो इसकी वीडियो अभी रिसेंटली पोस्ट हुई है अपकमिंग हुंडई कार्स में, तो ये लॉन्च होगी एंड ऑफ 2021 में। एंड नेक्स्ट यहाँ पे राहुल पूछते हैं MG हेक्टर और किया सेल्टोस पेट्रोल में इनको कौन सी परचेज करनी चाहिए 15 lakh के अंडर, तो राहुल आपको यहाँ पे MG हेक्टर को परचेज करना चाहिए बिकॉज किया सेल्टोस में जो इनिशियल पावर है वो इतनी नहीं है, ऑल्दो मिड रेंज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो MG हेक्टर आपको अभी परचेज करनी चाहिए, MG हेक्टर में आपको बेटर पिकअप एंड इनिशियल पावर मिल जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भाविन पूछते हैं इन XUV 300W W4 मॉडल कैन वी इंस्टॉल आफ्टर मार्केट टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम विदाउट लूजिंग वारंटी, तो ये ऐसा आप आफ्टर मार्केट इन्फोटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं, इवन आफ्टर मार्केट आप कोई भी एसेसरी इंस्टॉल करवा सकते हैं, वारंटी वर्ड नहीं होगी। इलेक्ट्रिक आइटम है वहाँ पे कपलर टू कपलर फिटिंग मिलती है यानी कि स्कॉच लॉक मिलते हैं एंड उसके थ्रू सारी फिटिंग करी जाती है, इवन जो शोरूम एसेसरी लगती हैं उसमें भी वहाँ पे स्कॉच लॉक यूज़ करे जाते हैं, तो वारंटी वहाँ पे लूज नहीं होती। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज यहाँ पे आता है निखिल की तरफ से बाय इनोवा और MG हेक्टर, तो डेफिनेटली MG हेक्टर आपको परचेज करनी चाहिए, अगर आप 5 मेंबर हो फैमिली में तो MG हेक्टर को परचेज करें, एंड 7 सीटर MG हेक्टर भी आने वाली है तो डेफिनेटली आपको उसका वेट करना चाहिए।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे जसकमल की तरफ से, शुड आई बाय किया सेल्टोस और वेट फॉर क्रेटा 2020? तो डेफिनेटली आपको क्रेटा 2020 के लिए वेट करना चाहिए। वहाँ पे आपको टेस्ला लाइक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, साथ में काफी सारे अबंडेंस मोड में फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं, एंड इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, तो वो भी आप जरूर चेक करें जसकरण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है लखन की तरफ से, ये पूछते हैं इन टुडे सिनेरियो डज बाइंग ए प्री ओन्ड कार अ बेटर चॉइस? तो डेफिनेटली लखन, बहुत ही बेटर चॉइस है प्री ओन्ड कार व्हीकल को आपको परचेज करना। आप ये सेल्टोस एंड एमजी हेक्टर को परचेज करने जा रहे हैं जिसका प्राइस है 20 लाख, और इसी प्राइस में आपको प्री ओन्ड 5 या 4 ईयर्स ओल्ड आपको इजीली सी क्लास मिल जाती है 20 लाख की, नहीं तो 23 लाख की मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको एक मर्सिडीज मिल जाती है, तो आपको डेफिनेटली प्री ओन्ड कार को परचेज करना एक बेटर चॉइस रहेगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यह सेल्टोस जीटी डीजल ऑटोमेटिक विल बी अ गुड बाय फॉर लॉन्ग रन? तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया ये रहेगा आपके लिए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अभी तक कस्टमर्स ने फेस नहीं करी। एंड जो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है डीजल में, वो काफ़ी स्मूथ शिफ्टिंग ऑफर करता है एंड काफ़ी रिलैक्स ड्राइविंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर माइलेज की बात करें तो मैनुअल की जो माइलेज रहेगी वो आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, 2 to 3 km/h माइलेज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर डीजल मैनुअल की माइलेज है 14 to 15 km/h, तो वहाँ पे डीजल ऑटोमेटिक आपको माइलेज डिलीवर करेगा 11 to 12 km/h। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज यहाँ पे आता है, व्हेन एक्सेंट नियोस विल बी लॉन्च इन इंडिया? सो एक्सेंट नियोस लॉन्च नहीं होगी, उसका जो नेम होगा वो होगा हुंडई ऑरा, और वो लॉन्च हो रही है जनवरी 2020 में। एंड इसकी ऑलरेडी एक जो अपकमिंग व्हीकल्स की हुंडई की वीडियो पोस्टेड है, उसमें काफ़ी सारी डिटेल इसके बारे में बता रखी है, तो आप वो भी ज़रूर चेक करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे नियोस और स्विफ्ट, तो डेफिनेटली आपको नियोस को परचेज करना चाहिए, इंटीरियर बेटर मिलता है आपको, यहाँ पे फीचर्स भी एक्स्ट्रा दिए गए हैं, एंड यहाँ पे काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स के बारे में हमने डिटेल कंपैरिजन में बात करें, तो आप वो भी जरूर चेक करें। उसमें आपको परफॉर्मेंस, रिफाइनमेंट, राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी एंड इंजन नॉइज, वाइब्रेशन प्रॉब्लम के बारे में आपको काफ़ी सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड आपके वहाँ पे काफ़ी डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, तो वो आप चेक कर सकते हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको कंपैरिजन में वो मिल जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आता है इटियोस लीवर डीजल और स्विफ्ट डीजल, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली स्विफ्ट डीजल को परचेज करना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मोहित पूछते हैं हेक्टर शार्प डी और हैरियर एक्जेड डी यानी कि डीजल, तो यहाँ पे आपको हेक्टर को परचेज करना चाहिए। हेक्टर विल बी मोर वैल्यू फॉर मनी व्हीकल, वहाँ पे आपको टॉप एंड मॉडल में पैनोरामिक सनरूफ एंड नंबर ऑफ फीचर्स मिल जाते हैं। ऑल्सो जो एसयूवी भी है वो भी काफ़ी बिग साइज की दी गई है, लेकिन अगर आपको एक ऑफ रोडर चाहिए या सॉफ्ट रोडर चाहिए तो वहाँ पे आपको हैरियर को परचेज करना चाहिए। हैरियर में आपको काफ़ी अच्छी खासी कैपेबिलिटीज़ मिल जाती हैं। एंड नेक्स्ट अप गाइज यहाँ पे आता है डस्टर और क्रेटा, तो अभी आपको यहाँ पे क्रेटा 2020 के लिए वेट करना चाहिए, एंड नेक्स्ट 3 to 4 months में काफ़ी ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट गाइज यहाँ पे प्रणय पूछते हैं व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट एस क्रॉस ऑटोमेटिक, तो ये एस क्रॉस ऑटोमेटिक लगभग यहाँ पे अप्रैल के आसपास लॉन्च कर दी जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है मारुति का डीजल प्रोडक्शन स्टॉप बाय दिसंबर 14, इज दैट ट्रू? तो मारुति का जो 1.3 लीटर डीजल इंजन है वो बहुत ही जल्दी डिसकॉन्टिन्यू हो जाएगा, एंड उसकी प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टॉप कर दी गई है, एंड मारुति उस इंजन को रिप्लेस कर रही है बाय 1.5 लीटर न्यू डीजल इंजन जो होगा BS6 कंप्लायंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे हर्षिदर से, ये पूछते हैं प्लीज रिव्यू 2019 i20 एक्टिव, तो i20 एक्टिव का फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुका है, उसका रिव्यू बहुत ही जल्दी पोस्ट हो जाएगा हर्ष। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपूर्व की तरफ से, i20 और बेरिनो फॉर लॉन्ग यूज़? सो यहाँ पे i20 में जो लॉन्ग टर्म में इशू आप फेस करेंगे वो है माइलेज का इशू, और जो बेरिनो में आप लॉन्ग टर्म में इशू फेस करेंगे वो है सस्पेंशन का इशू। एंड लॉन्ग टर्म में आपको देखना, अगर आपको माइलेज से कोई भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आपको i20 डेफिनेटली सूट करेगी फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड अगर आपको माइलेज चाहिए तो वहाँ पे आपको बेलिनो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा सूट करेगी, और लो रनिंग कॉस्ट भी आपको बेलिनो ही ऑफर करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है फॉर्ड फिगो बेस्ट बजट वेरिएंट, तो बेस्ट बजट वेरिएंट है टाइटेनियम वेरिएंट। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ष की तरफ से आता है, पूछते हैं एनी अपडेट ऑन क्रेटा फेसलिफ्ट? सो क्रेटा का हर्ष यहाँ पे फेसलिफ्ट लॉन्च नहीं होगा, क्रेटा का बिल्कुल न्यू जनरेशन लॉन्च होगा, एंड इसकी ऑलरेडी 2 वीडियो चैनल पे पोस्टेड है जिसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या क्या फीचर्स आएंगे, क्या न्यू ऑर्डर प्राइस रहेगा, क्या क्या चेंजेस आपको मिलेंगे, कंप्लीट डिटेल्स हैं, कौन से नए इंजन मिलेंगे, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हसल टू इन्फिनिटी से, वॉज थिंकिंग टू बाय सेल्टोस GTX प्लस बट इंटरनेट सेज GDI इंजन्स आरंट गुड, व्हाट शुड आई डू? तो यहाँ पे वर्ना एंड क्रेटा जो आने वाली है उसमें भी आपको सेम इंजन मिलेगा, एंड एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक ही इशू आया यहाँ पे जो है हीटिंग इशू, वो भी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कस्टमर ने वो उसको ओवर रिफ कर दिया, तो वहाँ पे जो गियर बॉक्स है वो ओवर हीट हो गया था, एंड थोड़ा बहुत जो वाइब्रेशन एंड नॉइज़ का इशू आता है वो सब आपको टर्बो इंजन में मिलेगा ही मिलेगा, इवन वेन्यू में भी अवेलेबल है। एंड फॉर्ड का जो इको बूस्ट इंजन है उसमें भी आपको सेम वाइब्रेशन एंड नॉइज़ आपको मिलती ही मिलती है।
And next question yahan pe aata hai, what time is better to take a car, December or January, which month provide good deal or any other idea for best deal along with resale value. तो जो दिसंबर में आपको year end sale मिलती है वहाँ पे आपको best deal मिल जाएंगी, even ऐसी deal आपको festive season में भी नहीं मिलती. तो car लेने का plan करें तो आपको December में ही purchase करनी चाहिए at year end sale. And next question दोस्तों यहाँ पे आता है upcoming Verna 2020 price. तो यहाँ पे S6 model का ये price पूछ रहे हैं, तो जो अभी current price है वही आपको Verna facelift में same price मिलेगा. एंड चेंजेस भी आपको मेन्यू में मिलते हैं. जो मेन चेंजेस हैं वो है इंजन ऑप्शन में आपको 3 न्यू इंजन मिलेंगे सेल्टोस वाले, वो भी BS6 कंप्लायंट है. एंड इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है तो आप वो भी जरूर चेक करें. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे आता है विशाल की तरफ से, पूछते हैं कि माजडा कार्स अब कब इंडिया में लॉन्च होंगी. सो अभी इसकी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, नेक्स्ट 2 ईयर्स में ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये लॉन्च होंगी. एंड नेक्स्ट अब गाइस बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो है हुंडई एलीट i20 का जो न्यू जनरेशन है वो कब लॉन्च होगा, प्लीज़ टेल मी डेट. तो वो है जुलाई 2020, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसकी एक डिटेल वीडियो में. एंड नेक्स्ट अप गाइस यहाँ पे जो नेविल थॉमस है ये पूछते हैं i20 की लॉन्च डेट, क्या ये वर्ना एंड क्रेटा से पहले लॉन्च होगी. सो ये क्रेटा एंड वर्ना के बीच में लॉन्च होगी. जो क्रेटा का लॉन्च है वो है मार्च 2020, i20 जुलाई 2020 एंड वर्ना है सेप्टेम्बर 2020. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे प्रतीक पूछते हैं, आई हैव रिसेंटली बुक्ड वर्ना S6 ऑप्शनल इन पेट्रोल फायर रेड कलर, मोर सिटी यूसेज एंड लेस हाईवे यूसेज, व्हाट एसेसरी शुड आई फिट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. तो यहाँ पे आप बहुत सारी एसेसरीज इंस्टॉल कर सकते हैं. वर्ना की 3-4 वीडियोज एसेसरी वाली पोस्टेड है जिसमें आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ एसेसरीज बताइए जो कि शोरूम एंड पे अवेलेबल है. तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, स्कफ प्लेट ले सकते हैं वहाँ पे, क्रोम की एसेसरीज जो है वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, बूट में मैट ले सकते हैं, एम्बिएंट लाइटिंग एंड सो ऑन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस बात करें तो वो है यहाँ पे इको स्पोर्ट पेट्रोल विच इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट. तो वहाँ पे टाइटेनियम मॉडल एंड थंडर, इवन थंडर आप परचेज कर सकते हैं. थंडर एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मॉडल है, आपको सारी फीचर्स थंडर में मिल जाते हैं तो आप उसको परचेज करें. एंड नेक्स्ट अप गाइस यहाँ पे आता है मुकेश की तरफ से, तो मुकेश पूछते हैं विच इज़ द बेस्ट SUV, हैरियर और सेल्टोस फॉर ऑफ रोडिंग, प्लीज़ आंसर. तो यहाँ पे हैरियर ऑफ रोडिंग के लिए सबसे बेस्ट SUV है. एंड नेक्स्ट यहाँ पे विशाल पूछते हैं व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द लॉन्च ऑफ न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड XUV300. सो यहाँ पे जो XUV300 और स्कॉर्पियो है ये दोनों ही शोकास करी जाएगी ऑटो एक्सपो 2020 पे, एंड इसको जून से पहले लॉन्च कर दिया जाएगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे BS6 कब लॉन्च होगी, तो ये मार्च से पहले लॉन्च हो जाएगी. एंड नेक्स्ट अप गाइस यहाँ पे पूछते हैं हाउ इज नियोस इन हाईवेज, तो नियोस हाईवेज में एक्सीलेंट है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है, बट अगर आप हिल्स में ड्राइव करते हैं तो वहाँ पे स्विफ्ट बेटर है. और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे फॉर्ड इकोस्पोर्ट मारुति सुजुकी ब्रेजा नेक्सॉन विच वन इज वैल्यू फॉर मनी इन डीजल. तो फॉर्ड इकोस्पोर्ट आपको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी मिलती है डीजल में, परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, माइलेज भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलती है, रिफाइनमेंट भी एक्सीलेंट दी गई है. एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे पीयूष कहते हैं प्लीज़ रिव्यू ग्लांजा. सो यहाँ पे ग्लांजा का वॉक अराउंड रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, लेकिन इसका जो डिटेल टेस्ट ड्राइव रिव्यू है वो भी बहुत ही जल्दी पोस्ट होने वाला है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज यहाँ पे सर ट्राइबर का कौन सा वेरियंट लेना चाहिए, प्लीज़. सो सर आपको ट्राइबर का टॉप एंड वेरियंट लेना चाहिए, वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है एंड अपने सेगमेंट में अपनी बेस्ट व्हीकल है. इसके सेगमेंट में वैसे कोई कंपटीशन है ही नहीं इसका, यहाँ पे आपको थर्ड रेसी मिलता है, कूल ग्लव बॉक्स भी अवेलेबल है एंड काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं. तो डेफिनेटली आपको टॉप एंड वेरिएंट ही इसका परचेज करना चाहिए एंड काफ़ी पॉपुलर व्हीकल भी है, अभी तक इसके 20,000 यूनिट से भी ऊपर सेल हो चुकी हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज यहाँ पे आता है इको स्पोर्ट BS6 पेट्रोल ऑलरेडी बुक BS4 एंड BS6 डिले हो गया तो इन्होंने परचेज नहीं करा. तो जो BS4 इंजन है वो अभी काफ़ी कम प्राइस पे अवेलेबल है एंड जो BS6 आएगा उसका जो प्राइस होगा वो एटलीस्ट 20,000 to 25,000 एक्स्ट्रा ही होगा. तो आप चाहे तो वेट कर सकते हैं, चाहे तो आप अभी परचेज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है फॉर्ड इकोस्पोर्ट का इको बूस्ट इंजन कैसा है. तो फॉर्ड इकोस्पोर्ट का जो इको बूस्ट इंजन है वो आपको एक्सेलेंट पावर एंड परफॉर्मेंस ऑफर करता है. इनिशियल पावर एक्सेलेंट दी गई है और हाईवे में आपको यहाँ पे ओवरटेक करना हो, हिल्स में ड्राइव करना हो, तो आपको वहाँ पे बहुत ही स्मूथ, रिलैक्स एंड पावरफुल परफॉर्मेंस मिल जाती है. एंड बेसिकली जो फॉर्ड इकोस्पोर्ट का इको बूस्ट इंजन है और वेन्यू का जो टर्बो इंजन है, दोनों में ही आपको जो एनवीएच लेवल है वो काफ़ी हाई मिलता है, यानी कि नॉइज वाइब्रेशन हार्शनेस लेवल. तो वहाँ पे आपको नॉइज एंड वाइब्रेशन वहाँ पे फील होगी एज कम्पेयर टू 1.5 लीटर फॉर्ड इकोस्पोर्ट पेट्रोल इंजन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है वेन्यू का 1.2 लीटर एस वेरियंट वर्थ टू परचेज है और नहीं. तो यहाँ पे एस वेरियंट तो डेफिनेटली वर्थ है एंड वेन्यू का हर एक मॉडल आपको इवन वर्थ मिलता है क्योंकि जो प्राइस रखा गया है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है. बात करें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन की तो आप वहाँ पे अदर राइवल व्हीकल्स जैसे कि फॉर्ड इकोस्पोर्ट या फिर इवन XUV300 को और इवन नेक्सॉन को भी आप वहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि 1.2 लीटर में आपको इतनी बढ़िया पावर नहीं मिलती
एंड अगर आपको वेन्यू को परचेज करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 लीटर टर्बो इंजन ले, क्योंकि उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस भी मिलेगी और बेटर माइलेज भी मिल जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे तुषार पूछते हैं बेस्ट पेट्रोल कार अंडर 6 लाख, तो जो बेस्ट पेट्रोल कार अंडर 6 लाख है वो है वैगन आर एंड टियागो, ये दोनों आपको बेस्ट मिलेंगी एंड इंजन वाइज भी एंड फीचर्स वाइज भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे फीचर्स भी अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हाई सर शुड आई वेट फॉर टाटा एल्ट्रोस, तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए। एंड दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि फॉर एक स्पोर्ट एम्बिएंट में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड फॉग लैंप लगा सकते हैं, अगर हाँ तो कॉस्ट कितनी आएगी। तो यहाँ पे जो फॉग लैंप है वो शोरूम एंड पे डीलरशिप पे अवेलेबल है बाय फॉर जेन्युइन एसेसरी, और इसकी जो लगभग कॉस्ट रहेगी वो है 4,000 to 6,000 के बीच में। एंड स्टीयरिंग जो कंट्रोल्स हैं वो आप ओल्ड इको स्पोर्ट या फिर न्यू इको स्पोर्ट में दोनों में इंस्टॉल करवा सकते हैं, लेकिन वो इंस्टॉल होंगे आफ्टर मार्केट फॉर जेन्युइन एसेसरी में, एंड डीलरशिप पे वो अवेलेबल नहीं रहेंगे एंड उसकी कॉस्ट है लगभग 4,000 रुपये। तो दोस्तों ये था Q&A फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट Q&A। एंड दोस्तों अगर आपके इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट Q&A में। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।